हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो स्क्रीन कार्ड होता है ऊपर का, इसे आपको अच्छे से साफ़ करना है। और यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन कर लेनी कि आपका मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन कार्ड कहीं से टूटा हुआ है, चटका हुआ तो नहीं है। हल्का सा भी चटकपन आ जाता है ना, तो उससे भी हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑटो टच की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन कार्ड इसे चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट कैसे करेंगे कि आपके मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा स्क्रीन के सामने इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। तो रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी आ जाती है ना, तो कमी दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से, ठीक है। तो आप जैसे ही हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ठीक है, ऑटो टच की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। आप अपने फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन में जितने भी ये जो एप्स है ना, इन सभी ऐप का आपको डेटा आपको डिलीट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ऐप जो उंगली से दबा के रखना है तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा आपका, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके का छोटा पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा होगा, सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको इसमें जो है दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। तो पहले आपको क्लियर कैच पर टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको डिलीट पर टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सभी एप्स के डेटा को आप इस तरीके से डिलीट कर दीजिए, तो आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, इन सभी ऐप को आप जो अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो आपके फालतू के ऐप हैं जिन्हें आप यूज नहीं करते, ठीक है ना। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का यहाँ पर सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते या फिर हमें पता नहीं चल पाता है, तो जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है, जैसे कि ऑटो टच की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सिस्टम अपडेट है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपका ये सिस्टम अपडेट का पेज ओपन होगा ना, तो इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो उसे आपको टैप कर देना। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपको सिस्टम अपडेट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, अगर आपको जरूरत लगे तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है रीसेट कर लेना है। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए, आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे ये सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इस पर आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की ऑटो टच की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे कि फोटो वीडियो वगैरह जो भी डेटा, वो आपको पहले किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है रीसेट करने से पहले कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से लिख के रख लेना है, नोट करके रख लेना है, तब जाके आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है रीसेट करने से पहले, ठीक है, फिर आपको रीसेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये सारे प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, अगर ये सारे प्रोसेस जो है फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन को ले जाना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जो है ना, मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताएं। अगर आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने मोबाइल फोन को अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर ले जाइए, तो वहाँ पर आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे।